ओके हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक अनदर गेम प्ले वीडियो में। आज हम खेलने वाले रियल क्रिकेट और उसी में हार्ड मोड में 10 ओवर में अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में क्या क्या कर पाते हैं। तो हम ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में खेलने वाले हैं इस बार, नहीं कि इंडिया के कोई पिचेस। ओके, 8-2 पे आना होगा और हमें हार्ड है क्योंकि हम पिछली बार जो खेले थे कि 2020 वर्ल्ड कप रोड टू वर्ल्ड कप में, वहाँ हम हार चुके थे हार्ड मोड में। तो हमें यहाँ सफल के खेलना होगा हार्ड मोड में। ओके चलिए, तो पहला मैच हम विलिंगटन, तो वहाँ पे होगा, तो देखते हैं। पहला मैच हम सिडनी में खेलते हैं। चलिए देखना होगा कि हम कैसे जीत पाते हैं ये मैच, हम कैसे करते हैं ये देखिए। सिडनी का ये सब ब्यूटीफुल व्यू यहाँ पे आ चुका है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका अंडर 19 वर्ल्ड कप, ग्रीन पिच है। ओके, यहाँ की सामने की बाउंड्री ज़्यादा बड़ी होगी, 87 मीटर्स की है, पीछे की कम है, तो पीछे और लेग शॉट ज़्यादा लग सकते हैं। बाकी प्रॉपर ग्रीन पिच है, दिख रही है। तो चलिए, टॉस का समय आ चुका है हमारा, तो बोलिए हम टेल्स लेंगे। तो टेल्स जो हम टॉस जीतते हैं तो हम बॉलिंग पे जाएंगे क्योंकि ग्रीन पिच है और टॉस हम जीत चुके हैं, तो ग्रीन पिच है, बॉलिंग की तरफ जाएंगे। हम स्कोर सेट करेंगे उसके हिसाब से खेलेंगे। ओके बढ़िया चल रहा है अभी के लिए हमारा। अभी के लिए लेफ्ट आर्म बॉलर से स्टार्ट करते हैं, अभी के लिए वो अच्छा रहेगा। यहाँ एम्पायर आते हुए पिच पे दूर से बॉक्सिंग खेलते हुए, और ये आ जाएगी अंडर 19 टीम, इंडियन की टीम पूरे हो सौ, ये आई है साउथ अफ्रीका की टीम। आज लगाने वाले हैं एलन सबके, और ये देखो देखते हैं साउथ अफ्रीका क्या करता है, देखते हैं कि हम क्या कर पाते हैं। देख लेते हैं कौन सी हमारे लिए अभी फील्डिंग अच्छी रहेगी, अभी के लिए यही अच्छा है। और अब मैं इन स्विंग ही करेंगे, पहले ग्रीन पिच है, अच्छी स्विंग होगी वो तो मालूम ही है। एक रन आ चुका है वो कोई बात नहीं, एक रन दो रन आए, बट एक ओवर में ज्यादा 120 रन आ जाता तो लग जाते हैं लास्ट में बनाने में। चलिए दोनों राइट ही है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं हम। यहाँ ग्रीन टॉप पिच है तो बाउंस अच्छा होगा। ओ चार रन यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया शुरुआत उस बंदे की। हम रिप्लाई कम दिखाएंगे, जो ऐसा लगे कि बहुत बेहतरीन शॉट है, बहुत बेहतरीन कनेक्ट था वो हम दिखाएंगे रिप्लाई में। चलिए यहाँ पे तो बढ़िया कुछ नहीं है, पावर प्ले चल रहा है इसलिए। ओके स्लो, एक बाउंसर डालते हैं, देखते हैं, तो भी बाउंस ज़्यादा होगा, ग्रीन पिच है। और यहाँ पे और चार रन, हमारी तकनीकी खराबी होते हुए बट वार्निंग नहीं आई, वो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। और एक स्ट्रेट बॉल, वो भी स्पीड में, देखते हैं यहाँ पे पीछे सिक्स, फिर से वो बॉल हमारे लिए वो बहुत ही खराब साबित हो रहा है। 13 रन आ चुके हैं इस ओवर से, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं यार, हमें पता नहीं चल रहा है। ओके हम बॉलिंग साइड चेंज कर देते हैं और यहाँ से लेग कटर डालते हैं, देखते हैं। चलिए ये बॉल तो बढ़िया था, 9 रन आया है, कोई बात नहीं, हमारा काम चल रहा है। 13 रन आ चुके हैं 5 ओवर में, यहाँ से थोड़ा इन स्विंग करेंगे जिससे कि कट हो और बाहर की तरफ आने की कोशिश में।
चलिए एक रन मिल चुका है, कोई बात नहीं, इस ओवर में हम 14 रन आ चुके हैं, देखते हैं। चलिए ओके, दूसरी ओवर हम देते हैं। हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ी को नहीं जानते, क्योंकि हम कम क्रिकेट देखते, बट खेलने में मज़ा आता है इसलिए हम खेल रहे हैं। ओके, स्लोअर गेंद थे, स्पीड का बॉल रखेंगे, देखेंगे। वो शॉर्ट रनर अप है यहाँ पे, और शॉर्ट रनर अप है, मज़ा आएगा, कुछ डिफरेंट दिख रहा है यहाँ। तो हम अभी ओके, चलिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें विकेट की सख्त जरूरत होगी, क्योंकि वो सेट हो रहे हैं और एक एक रन लेके स्ट्राइक चेंज कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। स्लो रनर है, फास्ट बॉलर कोई नहीं, अच्छी बढ़िया फील्डिंग, चार जाने से रोका, एक ही रन मिला। अभी के लिए तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आगे जाके देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं, और एक बाउंसर बॉल तो जरूरी है, देखते हैं इस बाउंसर में क्या कर पाता है ये लोग। बहुत ज्यादा बाउंसर नहीं मार रहे क्योंकि स्पीड बॉलर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, रिवर्स करते हैं। ओके, धीमे धीमे धीमू धीमू खेल चाले छे, बट जोइए शुरू करिए छे। ऑफ कटर रखते हैं, देखते हैं क्या कर पाता है। और यहाँ पे शायद दो नहीं, एक ही रन लिया, कोई बात नहीं, इस ओवर से 6 रन ही आए, बहुत अच्छा ओवर रहा, पूरा भी नहीं कह सकते। ओके, तो अभी के लिए एक और राइट हम बॉलर को लाते हैं, देखते इसके पिटारे में अच्छा इतना बाउंसर वो डाल सकता है। चलिए ये बढ़िया, मजा आएगा। एक रन ले चुका है, वार्निंग आ जाएगी, हमारा फालतू में ना हो जाए वैसा लग रहा है हमें। चलिए फालतू में बाउंसर गया हमारा, ना डक हुआ ना कुछ हुआ। चलिए एक योकर तो नहीं, वाइड योकर डालते हैं, बट उसे ऑफ कटर की तरह डालते हैं, तो वो आ चुका है पीच के और देखते हैं। और यहाँ पे कैच कीजिए, नाकाम कोशिश। स्लो बाउंसर है, देखते हैं ज्यादा उछाल तो ना मिले। वो वाइड बॉल हो चुकी है यहाँ पे, नो बॉल ना हो तो अच्छा होगा, नो बॉल। चलिए फ्री हिट है, तो फ्री हिट की कोशिश ना करने से स्पीड में बॉल डालते हैं, जिसे देखते हैं क्या कर पाता है वो। अच्छा शॉट था, सीधा शॉट लगाया, 4 रन मिले नो बॉल में, लगा था कि यॉर्कर देंगे तो। ओके, हम थोड़ी बॉल की लेंथ शॉर्ट रखते हैं और वो इन स्विंग किया है, देखते हैं। ओके, इसे यहाँ पे जवाब मिल चुका है, बहुत बढ़िया चल रहा है उन लोगों का खेल, हमें विकेट की सख्त जरूरत है यार, विकेट ही नहीं मिल रही, हार्ड मोड में यही प्रॉब्लम है यार, हमें आसानी से विकेट नहीं मिलती। और वो जो लास्ट ओवरों में वो अटैक करेंगे AI, वो अलग, वो तो कुछ और ही अटैक करते हैं ये लोग यार, पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तरीके से शॉट लगाते हैं, छक्का ना जाने वाला हो वो भी छक्का चला जाए, 6 रन चले जाए। और यहाँ पे मारने की कोशिश, तो एक ही रन से संतुष्ट होना होगा उन्हें। और इस ओवर से 8 रन आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के,
पहली ओवर बड़ी हो चुकी थी, तो यहाँ हम स्पिनर से अब ट्राई करेंगे, देखते हैं। डिफेंसिव ज्यादा नहीं रखना ये बढ़िया है, क्योंकि सभी जगह जहां जहां मुझे भी ज्यादा नहीं, थर्ड बैंड सब कुछ है। दूसरा डालते हैं और स्पीड स्लो रखते हैं, ग्रीन पीछे ऐसे ही फास्ट हो जाएगा बॉल। ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड पे हम खेल रहे हैं, हमें बहुत 3 मैच तो कंपलसरी होगी हमारे लिए। धोनी भाई की आवाज फिट की है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे रन नहीं आया तो हमारे लिए अच्छा है, बट हमें विकेट की दरकार है। कैरम बॉल है, थोड़ी स्पीड में रखते हैं, देखते हैं आगे आके हिट करेगा। नहीं, अभी कोई रिस्क नहीं ले रहे वो लोग। हमें ऐसा शॉट देना होगा कि 2 शॉट मारे, रिस्क ले और विकेट की ओर आए। चलिए एक हम चलिए स्लो स्पिन है, टर्न होता है। वाइड बॉल हो चुकी है, बट थोड़ा ज्यादा टर्न होता शायद वहां विकेट मिलती। वहां अभी के लिए वो बॉल नहीं डालना। वही बॉल डालने के लिए डाला था, बट ज्यादा टर्न हो चुका था, वहां विकेट जरूर मिलती। और यहाँ पे विकेट की सफलता मिलती हुई हमें, युवा जो चाहिए था वो बॉल रखा पहले बॉल में, सफल नहीं हुए, थोड़ा सा विकेट कीपर से दूर था, इस बार कट लगी। तो देखिए कहाँ पे हमें विकेट की एक सफलता मिल चुकी है, बट अभी जो सेट है वो आउट नहीं हुआ, एज लगी और विकेट कीपर के हाथ स्लिप के हुए हाथ में। चलिए अभी वो वाला ट्राई करते हैं जिसमें थोड़ा सा बच गया था, तो इसमें क्या वो मिस करता है या हिट करता है? हिट किया और 4 रन। बहुत ही हिटर कर रहा है, बहुत ही ज्यादा है। चलिए कोई बात नहीं, 5 ओवर यहाँ समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर समाप्त हुए हैं, तो हम 5वां ओवर अभी इसे रवाना से ही करा देते हैं, 2 ओवर कंटिन्यू अभी के लिए अच्छा रहेगा, स्लोअर। देखते हैं क्या करते हैं हम। थर्ड मैन की ये तरफ मार दिया, बट चलता चल गया। स्पीड में रख रहे हैं, ओवर थ्रो बच गया है, बाल बाल। चलिए एक शॉर्ट पिच बॉल और स्ट्रेट डालते हैं, देखते हैं विकेट का। विकेट तो नहीं मिली, बट 2 रन नहीं, 1 ही रन आया हुआ। चलिए यहाँ पे हम एक योकर, योकर तो नहीं कह सकते, एक कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। थोड़ा सा सफल रहे हम। अबे ये क्या चुल मची है यार तुझे, हमारे साइड से रोक। हाँ भाई क्या चुल मची है यार, 8 के रनर से खेल रहा है कभी भी, और दिल्ली उसको खेल चुके हैं, बट एक बहुत ही बढ़िया 2 ही रन आए हमारे, ये बढ़िया रहा। हमें लगा कि 4 चले चुकी है, बट 4 ही आए। हाँ अच्छा है, 5 ओवर का खेल हो चुका है अभी तक के लिए, और यहाँ पे 4 रन।
आगे की लॉन्ग ऑन लॉग लॉग ऑन की और सामने की बाउंड्री लंबी है इसलिए 4 रन बाकी है, 6 रन का ही शॉट था। देखिए अच्छे से कनेक्ट होता तो 6 ही होता, बट हमारे लिए 2 रन बच गए लंबी बाउंड्री के हिसाब से, वरना पूरे फंसते। 1 बाउंस 4। चलिए यहाँ पे हम दूसरे बॉलर को लाते हैं बीच में, ये विकेट मिल चुके हैं, बॉल करते हैं यहाँ पे, जो वो मिस करते हैं तो विकेट जाएगी आगे आगे। मैंने अंदर का बॉल किया था जिसकी तरफ से विकेट कीपर के पास नहीं चलते, यहाँ पे रखने से वो आगे आके मार। ओके ओके आगे ऐसे ही करते हैं, हल्का तेज हल्का आगे, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 4 रन रोके और यहाँ हमें ओवर थ्रो करके एक और रन दे दिया। क्या कर रहे हैं हम, हल्का तेज हल्का आगे। चलिए और यहाँ पे विकेट मिलते मिलते रहे, चुक जाता है। बड़ा ग्राउंड है तो हम आसानी से 2-2 रन ले सकते हैं, किसी में भी 3 रन तो हमारा 10 से ज्यादा। धीरे वाला तो घूमता ही रहता है धोनी भाई, ये यहाँ अंडर 19 में तो धोनी भाई कहाँ से आएंगे, बट उसकी आवाज आ रही है तो घूमेगा। और यहाँ पे हमें चाटा मिलता हुआ चौका मिल चुका है इस ओवर में, फिर से एक दूसरा करते हैं, थोड़ी सी पीच आगे और फास्ट रखते हैं, जो वो चूक जाए तो हमारे लिए अच्छा है बहुत ही। अभी तो चौका लगाया, सेट हो चुका है, 6 ओवर हो चुके हैं, ड्रिंक्स ब्रेक पड़ चुकी है, 6 ओवर में 3 रन बना चुके हैं तो हमें सफल के खेलना होगा। हमारे पास बहुत ही ऑप्शन है बट अभी हम स्पिनर को ही रखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है। सिंधु आया है, ओके 9 रन बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है कि 1-2 ओवर ऐसे ही हम होने वाले हैं कि अभी वो अटैक ही करेंगे बोलो। और यहां पे मिस करते हुए यहां पे उन्होंने मिस तो किया, वो थोड़ा सा लेट खेले। दूसरा रखते हैं, कम ज्यादा घूमता है तो यहां पे मार खा जाते हैं कि कोई वहां होता तो कैच हो जाता, बट हमें कस्टम फील्डिंग भी नहीं करनी है। ओके दूसरी तरफ से हम गेंद डालते हैं, कुछ शुड आम बोले हाँ हाँ, और अंदर आ चुका है, आगे आने की मारने की कोशिश करें तो ही हमारा अच्छा रहेगा। हाँ अभी तक हमें एक ही विकेट मिला है दोस्तों, ये बोलते बोलते मेरी आवाज सुन हो चुकी है तो 2 मिनट दीजिए मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अभी ऑफ स्पिन डालते हैं, आगे आ रहे मिस करे तो स्टंप हिट ना हो, लेग बाय बाल बाल बचा, उसका लक था वरना स्टंप पे लगता तो आउट होता। यार ऐसे कैसे लक चल जाते, मेरे तो लक नहीं चलते, मेरे छूके सिर्फ स्टंप में ही जाते हैं सीधे। यार कैसा है यार, बट W3 से थोड़ा मुझे अच्छा बेहतर गेम लगा। आप सभी की क्या राय है तो मुझे बताइए, W3 अच्छा है, RC22 अच्छा है मोबाइल गेमिंग के लिए क्रिकेट में। चलिए एक फास्ट बॉलर्स को लाते हैं फिर से और रिवर्स करते हैं और स्पीड में रखते हैं, देखते हैं
शायद ओवरथ्रो हो सकता है, पर पीछे फील्डर आ चुका है तो बढ़िया हमारे लिए, एक ही रन मिले। अभी व्हाइट योकर की ट्राई करते हैं और उसमें भी इन स्विंग का तड़का लगाते हैं। ये आ चुका है अगेन, हमारे लिए अच्छा है, एक रन आया। पैरों पे डाल के देखते हैं, वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी स्पीड में बाहर आ चुका है डायरेक्ट। ओके हमारे लिए अच्छा है भाई, स्लैचिंग होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ओके सो यहाँ आगे का ही बोल देते हैं, थोड़ा सा घूमेगा, यहाँ पे मिस किया उस बॉल को, बट अर्ली खेल चुके थे, थोड़ा हो कुछ होता तो LBW हो सकता था। 10 ओवर का खेल है, इन स्विंग कर रहे हैं, देखते हैं। और ये पीछे का शॉट लगा के 4 रन, यार कैसे कैसे शॉट लगाते हैं ये लोग, पता नहीं लग रहा है यार। चलो योकर डालते हैं फिर से, डायरेक्ट बना ले तो वो मेरे बाप का क्या है। और यहां गैप में चौका, चलिए सिंधु से आखिरी ओवर करवा लेते हैं, अभी तक उसका भी 4 रन दिए तो बढ़िया है। उछाल मिलेगा टॉप स्पिन में, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए लास्ट 2 ओवर है, ये लोग अटैक ना करे तो हमारे लिए अच्छा रहने वाला है, हमें सफल के लिए खेलना होगा। चलिए और अटैक शुरू, कहा था मैंने अटैक शुरू हो जाएगा उन लोगों का। शॉट बहुत ही बढ़िया था, बॉल हमने सेव था, आगे दे दिया, हमारी ही भूल थी, बट शॉट बहुत ही बढ़िया था। कुछ हुआ है देखते हैं, 2 मिनट दीजिए मुझे। कोई बात नहीं है, हाँ वो भी हमें देखना होगा। चलिए ये लास्ट के 2 ओवर हमें सफल के रहने होंगे, क्योंकि वो अटैक करेंगे 10 और 11 की रन रेट बनाने के लिए। कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम अभी के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ ओके दोस्तों, यहाँ पे एक ही रन आया था लास्ट बॉल में, तो वो ओके दोस्तों यहाँ एक ही रन आया था, तो वो देखते देखते कि क्या कर पाते हैं हम। हल्का तेज हल्का धीमे डालते हैं, कुछ हो तो ठीक है, वरना अटैक ही करेंगे ये लोग। बहुत बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, पता नहीं कितने रन होंगे, क्या कर पाएंगे हम, वो देखते हैं। चलिए आप तक यहाँ तक बने रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ओपिनियन दीजिए मैं और कौन सी वीडियो लाऊं। और यहाँ पे कैच आउट होते होते रह चुका वो बंदा, पर क्या करे यार। दूसरा डालते हैं और उसे तेज डालते हैं, देखते हैं ग्रीन पीछे बाउंस मिलेगी और फायदा होगा या नहीं, पता नहीं। वहां पे 6 लगा दिया साले ने, और क्या करे, चलो यहाँ पे 54 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एक डेविड पे उसने अच्छे से रन लगाए हुए हैं, हम रिपीट नहीं करते। एक दो ओवर बाकी, एक ओवर का खेल अभी बाकी है, एक ओवर लेफ्ट आर्म मीडियम से होगा। चलिए देखते हैं,
ये बॉल शायद वाइड हो सकती है, बट हमें वाइड वाइड हो गई। चलिए यहाँ से डालेंगे हम, रिवर्स स्विंग करेंगे इंदर की तरफ और तेज ही रखना है क्योंकि ये अलग ही पिच है। यहाँ पे बाउंस तो ज्यादा हो रहा है, देख के गई। चलिए अब योकर हो, ओपी स्लोअर योकर होगी होगी होगी। और यहाँ पे बुरी तरह से 6 रन। और ये 4 रोक नहीं पाए, क्या हो रहा है क्या पता नहीं, हम देखते रहते हैं ये इसी तरह। चलिए मिलते हैं हम ज्यादा 100 के ऊपर रन हो जाएंगे, बट हमें ध्यान से ये 3 बॉल बाकी है, 110 रन ना हो वो ध्यान रखना है। एक ही रन आए वो बढ़िया रहेगा क्योंकि 100 रन हम डिफेंड कर पाएंगे हमारी तरफ से तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ 50 रन पूरे कर दिए किटमी ने, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं किटमी अभी। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था बट स्ट्रेट टू फील्डर है तो बच चुके हैं। चलिए ये लास्ट बॉल है ओवर का और यहाँ पे बाल बाल बच जाते, ग्राउंड बड़े हैं इसीलिए, बट 1 रन और हमें 100 रन करने हैं। चलिए ओके, यहाँ पे हम रघुवंशी लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन ना बढ़िया है वो, ओके बढ़िया चल रहा है। चलिए चलते हैं, ज्यादा वक्त नहीं बात है यहाँ पे। और बूस्ट एक फास्ट बॉलर आया है, चलिए रघुवंशी कैसा खेलते हैं देख लेते हैं हम। चलिए हमारे पास अभी नहीं लगाएगा शॉट, मीडियम पेस डालेगा, आगे की बॉल है, आराम से चौका जाएगा। 1 रन आ चुका है, कोई डाइव लगाने की जरूरत नहीं है, शायद हम कवर कर सकते थे। एच सिंह, हरभजन सिंह नहीं है, कोई और सिंह होगा जो सिंह लड़ाने आया है। चलिए कोई बात नहीं, ओ तेज तो डालता है, तेज तो डाल रहा है। और यहाँ बाउंसर डाला और 4 रन मिले गए हमें, बहुत बढ़िया है यार। अभी तो एस सीरीज चल रहा है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया तो जीत चुका है हमारे, अब देखते हैं वेस्ट इंडीज टूर पे क्या करवाने आते हैं हमारी इंडिया की टीम, देखते हैं। ये बॉल तो बहुत ही, और यहाँ गैप ओपन पर तो हम 3 रन निकाल लेंगे आराम से, नहीं निकाल पाए 3 रन, 2 रन से खुश रह गए। अभी के लिए बहुत ही बढ़िया चल रहा है। सात रन आ चुके हैं इस ओवर से और यहाँ पे फिर एक, और यहाँ पे लेट हो चुके, थोड़ा सा ज्यादा वो कर दिया होता तो हम कर पाते, बट अभी के लिए जो चल रहा है। और यहाँ 4 रन मिल,
मिल चुके, 11 रन 19 ओवर्स आ चुके, ये ओवर का टारगेट हमने समाप्त कर दिया, बट नो बॉल होना चाहिए, यहाँ पे नो बॉल नहीं मिला हमें, वो एक नाउम्मीद ही मिली है। हाँ देखते हैं क्या करें, जो भी हो 11 रन आ चुके हैं। और एक दूसरा फास्ट बॉलर पीएनडी जो है पीएनडी जाके मारे गए साले को। बहुत तेज है, 146 की स्पीड से है, तो ध्यान रखना होगा इसकी बॉलों पे। और बाउंस नहीं हुआ, बच बाल बाल बच गए, बाल बाल बचे हैं। और यहाँ आसानी से 2 रन मिल सकते हैं, कट रही है, कोई बात नहीं, 2 रन आ चुके हैं, बट अभी के लिए ये ओवर बहुत ही तेज गेंदबाज है तो चल नहीं रहा है। देखते हैं एक अच्छी सी रेंज में आए तो हम बच गए। अभी तक इस ओवर में 2 रन आए हैं, अच्छा नहीं है हमारे लिए। एक अच्छी गेंद आए, ओके आ चुकी है, और यहाँ पे लेट हो चुके हम, बहुत ही तेज गेंदबाजी हो रही है इस गेंदबाज से, हमें मिस टच कर रहे हैं हम उसकी गेंदों को। शानदार शॉट लग चुका है और 4 रन मिल चुके हैं, थोड़ा सा बोझ उतर चुका है हमारे कंधे से, तो ये हमारे लिए अच्छा है। ओके हम रिप्लाई ज्यादा नहीं देखते, कट सीन ऐसे ही आते रहेगी, एक आध कट सीन बीच बीच में लेंगे। और एक तेज गेंदबाज साउथ अफ्रीका के पास, सारे तेज ही गेंदबाज है, सिम लेन आए हैं। और हम लेट हो चुके हैं उसकी तेज गेंद से, अबे यहाँ स्लेचिंग खींचा खींची चल रही है, अब दिखाते हैं हम क्या चीज है बॉस, आने दे भाई अब तेरी गेंद को। लेट हो चुके, बॉल नीचे रहा, हम नहीं छू पाए। इस ओवर में 10-15 रन और ज्यादा आएगी वो मुझे पता है, वो बाउंस इतना नहीं हो रहा है, उसकी बदौलत थोड़ा सा जीत जीत वो हो रहा है। यहाँ पे आसानी से 2 रन मिल सकते हैं, 3 रन तो नहीं आएंगे, क्यों थोड़ा दूर होता तो 3 रन आ जाते, बट अभी के लिए सफल के खेल तो रहे, बट ये नहीं चल पाएगा हमारा। एक रन 3 रन आए इस ओवर से, हमें एक चौके की दरकार तो है, ज्यादा रन रेट ना बढ़े इसके लिए, एक चौके की दरकार है, स्लो बॉल आ रहा है, ज्यादा अंदर थी, लेट हो चुके, सब मिसजज किया इस ओवर पे। अब हमें खुल के सामने आना पड़ेगा, स्पिनर आए हैं तो देखते हैं उछाल और कितना मिलता है, उसके बाद अटैक करेंगे। उछाल तो मिल रहा है बॉस, उछाल तो है, थोड़ा सा टर्न भी तो है। सीधा फील्डर के पास, मौका नहीं, मौका बनाना होगा हमें किसी भी हाल में इस ओवर में। दो रन आसानी से आ जाएंगे वो अच्छा रहेगा हमारे,
हर एक बॉल पे दो रन की जरूरत है, 12 की रन रेट की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। हम हार्ट में इसे शॉट लगा नहीं पाएंगे। एक रन नहीं दो रन चाहिए था, कोई बात नहीं, लेफ्टी राइटी आएगा तो मार पाएंगे अच्छे से। अब रन रेट बढ़ रही है तो हमें एक 4 और 6 लगाना होगा, रिस्क लेना होगा। और यहाँ पे भी एक रन मिला है हमें। ज्यादा टर्न हो चुकी थी, यहाँ पे हमें अटैक करना होगा वरना हम बाहर निकल जाएंगे। हमें जीतना होगा किसी भी हाल में। और यहाँ पे हमें 4 रन मिलते हुए हमने जगह बनाई, हमने देखा बॉल कहाँ पे पिच हो रही है पहले से, वो तो देख ही लिया था, तो चौका वहां पे लगा दिया। 4 रन आ चुके हैं, हमें रिकवर करना होगा तेज से वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बाहर निकले थे, नहीं निकलते तो शायद LBW की रिक्वेस्ट होती। वो खाली जगह है और यहाँ पे हमें 1-2 रन मिल सकते हैं, डाइव लगानी होगी वरना आउट हो। बाल बाल बचे, बाल बाल बचे, थोड़ा सा लेट हुए, जो परफेक्ट लगाते तो हम जीत जाते। अभी मैच सिडनी में चल रहा है, जो लोग अभी जुड़े होंगे इसके लिए। और यहाँ पे डाइव लगानी हो, यहाँ पे शायद आउट हो सकता है। हम 1 ही रन था बट हमने 2 रन की कोशिश की, इसीलिए ओके कोई बात नहीं, हमने 1 विकेट अच्छी विकेट गवाई है। बट हमें बकल अप करके फिर से आना होगा, हमें ब्रूटल बनना होगा। अब 12 से ऊपर की रन रेट नहीं जाने दे सकते। और यहाँ पे फिर से वही ब्लॉपर होता हुआ, 7 रन आए इस ओवर से, ऐसा नहीं चल सकता क्योंकि अब इतनी रन रेट तेज बढ़ेगी बता नहीं सकते हम। और यहाँ पे 4 रन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 3 रन ही आएंगे, 3 रन। कोई बात नहीं, इस ओवर से हमें 10 रन मिल चुके हैं, ये बढ़िया है। हमें कोई एक ओवर तो ऐसी टारगेट करनी होगी जहां से हम अपनी रन रेट बढ़ा पाए, अच्छे से कर पाए। और यहाँ पे सही कनेक्ट हुआ और 6 रन मिल चुके हैं हमें। तब तक हमें 6 की ही तलाश थी, 4 रन तो आ रहे थे पर 6 रन नहीं आ रहे थे, बड़े ग्राउंड है इसलिए। बट ये आसानी से छोटा है बट आया है, उससे हम खुश रहेंगे। 6 रन मिल चुके हैं, हमें थोड़ा सा अटैक तो करता रहना होगा वरना नहीं चलेगा। और यहाँ पे खाली है, वहाँ पे 4 रन आसानी से मिलते हुए 10 रन आ चुके हैं इस ओवर से। ये ओवर का काम तो हम निपटा दिया है बट हाँ दूसरे ओवर का भी लेना होगा। और अच्छे से दे रहे बट इस तरफ का बॉल डाला तो 1-2 रन आएंगे, उस तरफ का बॉल ही है। और 4 रन आ गए, 4 रन बहुत ही खूबसूरत, अच्छी ओवर घटती हुई यहाँ पे अभी तक हमारे लिए तो अच्छा जा रहा है। और ये अभी हमें ट्राई तो करनी होगी 6 की। यहाँ ड्रिफ्ट थोड़ा ज्यादा हुआ है बट बहुत ही बढ़िया था हमारा। और
यहाँ विकेट गवाते हुए। सेलिब्रेशन देखिए बॉलर का, क्या सेलिब्रेशन बॉस, अच्छा खेल रहा था बट हमारी एक चूक की वजह से, उस शॉट की चूक की वजह से हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हमें और भी अच्छे से खेलना होगा। अभी भी हम इस ओवर में 20 रन घटक सकते हैं। और यहाँ पे मिस करते हुए बहुत ही खराब वो, और बहुत ही बढ़िया जा सकता था बट नहीं गया। फास्ट पेस बॉलर आया है और दोनों ही नए बैट्समैन हैं, सेट होने में टाइम अब नहीं लगा सकते, अभी अटैक ही करना होगा किसी भी हालत में। और यहाँ पे परफेक्ट मिडल शॉट और 6 रन, बहुत ही दूर का लंबा सा शॉट, ये लंबा वाला कितनी दूर गया वो तो देखना ही होगा हमें। बहुत ही बढ़िया सा शॉट था ये हमारा, और 89 मीटर का सिक्स है, बहुत ही बढ़िया कनेक्ट हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। ओ, बॉल नीचे रहा, उसकी बदौलत हम चूके। हमें ध्यान रखना होगा कि बॉल नीचे ज्यादा रहता है इन लोगों का। एक रन आ चुका है, वो ही बढ़िया है हमारे लिए। अभी हमें ज्यादा क्विक खेलना होगा, 21 गेंदों में 50 रन चाहिए, हमें लॉफ्टेड शॉट की ज्यादा जरूरत है। ओ, लेट खेला, लेट, 7 ही रन आए इस ओवर से, हमें 12 की रन रेट से जरूरत है, ये गेम का हार जाएंगे हम। और यहाँ पे कैच, ओ कैच छूटा, 2 रन हम आसानी से लेंगे, 3 रन लेंगे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे 10 रन आ चुके हैं, हम किसी भी तरह हम सर्वाइव कर गए, वही हमारे लिए बहुत बढ़िया है। यार लेट करते हैं हम शॉट खेलने में, उसी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। 18 गेंदों में 40 रन चाहिए, और वो हमें यहाँ अटैक करना ही होगा किसी भी हाल में, इस पे कहीं से भी। और यहाँ पे 4 रन मिलते हुए हमारे लिए अच्छा है, जोन में बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम रिप्ले कम देखेंगे, आप क्योंकि शॉट देख रहे हैं तो रिप्ले क्यों देखेंगे, आपको उत्साह होगा। 2 रन आसानी से आ जाएंगे, 1 ही रन, 1 ही रन, 1 ही रन, अभी विकेट देना नहीं है हमें। 13 की रन रेट है, बहुत ही ज्यादा बड़ी रन रेट ना बन जाए, उसके लिए हमें 4 और 6 एक एक लगाते रहना होगा। ओ, बॉल बहुत नीचे रहा, ओके 3 बॉल बचे हैं, 3 बॉल में 10 रन लेने होंगे। और यहाँ बहुत ही बढ़िया जोर का कनेक्ट हुआ, 4 रन मिलते हुए हमें। यहाँ पे हमारे टीम का खेमा खुश हो चुका है उस शॉट से, और ये बहुत ही कड़क आवाज आई थी, आपने सुनी हो तो, ये देखिए रिप्लाई, ये कड़क और स्पीडी शॉट का, या बहुत ही बढ़िया शॉट, और गेप का ढूंढने में हम कामयाब रहे थे। चलिए ये भाग हमारे लिए क्लियर है, तो वहीं पे शॉट लगाएगा अब, और हमने कैच दे दिया, हमने लेट शॉट खेला, कैच दे दिया, थोड़ा जल्दी खेलते तो अच्छा खेलते, और वो बंदा बढ़िया खेल रहा था। अब सिद्धू बाजी है, सिद्धू बाजी मारे के देखते हैं, 9 रन है,
ऐसे नहीं चलेगा, अब हमें अटैक तो कर आते ही अटैक करना होगा। वाइड होना चाहिए यहाँ पे। यस, वाइड मिलता हुआ हमें। चलिए, हमें एक एक्स्ट्रा रन मिल चुका है, 10 रन हो चुके हैं इस ओवर के। बट हमने जो जहाँ पे मिस किया था, और वाइड होना चाहिए बहुत ही दूर। ओके, हम दो ओवरों में हमें 32 रन चाहिए, 16 रन चाहिए। तो हमें अटैक किसी भी हाल में करना होगा, या 99 रन तक तो पहुंचना होगा। और अभी भी दो फास्ट बॉलर होंगे। यार यहाँ पे हम चूक रहे हैं दोस्तों। अब हमारे पास एक ही शॉट का खेला है, हम दो तीन ही शॉट लगाते हैं, बट हमें देख के शॉट लगाना होगा। ओके, 4 रन मिल चुके हैं हमें, बहुत ही बढ़िया। लेट शॉट खेला, खेमा खुश है अभी के लिए। अंपायर सिग्नल देते हैं, तब तक हम चाय पानी पीने के लिए आ जाते हैं। ओके, आप थोड़ा सा रिप्लाई भी देख लीजिए। ओके दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, हमारा साथ दे रहे, देखते हैं हम जीतते हैं नहीं, साथ तो दीजिएगा। और यहाँ पे शॉट कनेक्ट तो प्रॉपर नहीं हुआ, बट 4 रन मिल चुके हैं, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। खेमा हर बार खुश होता रहेगा, क्योंकि लास्ट दो ओवरों में ऐसी सेट की है कि आता ही रहेगा। ओके, वो पोर्शन हमारे लिए खुला किया गया है, 4 रन प्रति ओवर चाहिए ही चाहिए, वरना हम उसके बिना हम जीत नहीं पाएंगे। ये ओवर थोड़ा सा अच्छा होता हुआ जा रहा है हमारे लिए। चलिए हम देखते हैं हमारा। ओके दोस्तों, ये एक देखते हैं ये ओवर में हम क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, और यहाँ पे हमने बेहतरीन विकेट प्लेयर गवा दिया है। ओके, कोई बात नहीं, अभी हमारा एक ब्रूट लेफ्टी ब्रूट प्लेयर आ चुका है। चलिए देखते हैं इस ओवर में हमें 6 मिलते हैं या नहीं, लेने ही होंगे किसी भी हाल में 6 और 4। और यहाँ पे मिस करते हुए, और हमारी बैंड बजने वाली है लास्ट ओवर में। 20 रन चाहिए हमें, 20 रन जीतने के लिए। और वो बॉलर है जिसने कम रन दिए थे फर्स्ट ओवर में, और उससे हमें 20 रन लेने हैं। और यहाँ स्लो पे बॉल करते हुए हमने शॉट सिलेक्शन गलत किया, बट जो लगाना था वो परफेक्ट लगा था। अब हमारे पास रेडिकल को लाते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, जो ये 3 छक्के चाहिए अच्छे से कनेक्ट हो। दो रन आसानी से ले ले, 2 रन से कुछ नहीं होगा अभी। 18 रन चाहिए, और एक नोबल मिल जाए तो मजा आ जाएगा हमें। नोबल मिल जाए तो मजा आ जाए। और यहाँ पे बाउंस ही कम हो रहा है, तो क्या करे यार। 6, अब 3 छक्के चाहिए हो गए हमें जीतने के लिए। पे हमारी हार निश्चित करते हुए हम इतना लड़े, ऑफ स्टंप पिच है तो वो लोग रिव्यू नहीं लेंगे। अब हम जीत ही नहीं पाएंगे, हमें एक नो बॉल की जरूरत है, और उस नो बॉल पे 6 की जरूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे गिल्लोड़ा चल चुका है, और ये विकेट गवाते हुए
हम अच्छा खेल रहे थे, एक दो दो बॉल में शॉट की चूक हुए, उससे हम हारने वाले, बट अभी तक तो हम बढ़िया खेले हैं, वो हम मैं मानता हूँ, क्योंकि 100 रन तक पहुँचना, 80-90 तक को पहुँचना बहुत ही खराब था। और यहाँ विकेट गवाते हुए हम अपनी मैच का ध्यान करते हैं। 17 रन से जीते, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीते, इसलिए रन रेट भी बहुत घटाना होगा। पीकेएमटी ने बहुत अच्छे कहा था, उसका मैन ऑफ द प्लेयर मैच देख लेते हैं, खींचा ले और चलते हैं आगे। ओके, एक्सपी बढ़ चुके हैं हमें, चलिए स्टैंडिंग वर्जन अभी देख ले हमारा। यहाँ पे इंग्लैंड आगे है, कनाडा आगे है, बांग्लादेश और ये पीछे, हमारे ग्रुप में हम पीछे है। रन रेट 1.70 से माइनस चल रही है। युगांडा 2 मैच जीत चुका है, साउथ अफ्रीका को हरा चुका है युगांडा और आयरलैंड को भी। तो अगला मैच हमारा शायद यूएई के साथ नहीं, हमारा आयरलैंड के साथ है, तो हमें यहाँ आयरलैंड को हरा के आगे आना होगा, वरना हम नहीं चले गए। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं एक अगले गेम पे वीडियो में। अगला मैच होगा इंडिया वर्सेस आयरलैंड, वो कहाँ खेलेंगे वो देखने के लिए आप प्लीज़ आ जाना। हर ट्यूजडे 6:30 बजे क्रिकेट की वीडियो डल जाएगी, हर मंगलवार को 6:30 बजे क्रिकेट की वीडियो डलती रहेगी अब कंटिन्यूसली, तो आप प्लीज़ आ जाइएगा, देखते रहेगा हमारे साथ। चलिए।